जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स अगले महीने यानी मई में एक फ्री कैंप हर सेंटर में कंडक्ट कर रही है, यानी कोमपल्ली, सनत नगर, बंजारा हिल्स और मणिकोंडा। हर शनिवार ये कैंप कंडक्ट किया जाएगा और इसमें फ्री कंसल्टेशन, रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग और सीमिनालिस इंक्लूडेड है। अवश्य इस मौके का फ़ायदा उठाइए और आकर अपने इन्वेस्टिगेशंस करवा के ट्रीटमेंट ऑप्शंस ज़रूर मालूमात कीजिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुवर्चला, मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप जल्द से जल्द गर्भवती कैसे हो सकती हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अपने आप मेंटेन कर सकते हैं। डॉक्टर के पास आने के पहले आप कुछ ऐसे चीज़ कर सकते हैं जिससे आपके फर्टिलिटी चांसेस बढ़ सकते हैं। पहले तो एक बार ज़रूर आपके डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपको कुछ थायराइड इशू है या आप डायबिटिक हो या प्रोलैक्टिन ज़्यादा है, ऐसे छोटे मोटे जो भी इश्यूज़ हैं आपके, आप शायद एनेमिक हो, ऐसे कोई भी इश्यूज़ जो हैं आपके डॉक्टर ठीक करने की कोशिश करेंगे, जिनके ठीक होते ही आप स्वयं प्रेगनेंसी पा सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार डेंटिस्ट के पास अवश्य जाइए। माना गया है कि साल में एक बार डेंटिस्ट के पास जाने से कई सारे बीमारियां कम हो सकते हैं। स्पेशली जो प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हैं, प्रेगनेंट हैं, उनको डेंटिस्ट को अपने दांत ज़रूर दिखाने चाहिए ताकि अगर कोई भी ओरल इन्फेक्शन है तो उसे ठीक किया जा सकता है, जिसकी वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं शायद। तो ये बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर वेट मेंटेन कीजिए। आपका हाइट और वेट के मुताबिक जो BMI है उसी में रहने की कोशिश कीजिए। उसे एक आदत बना लीजिए। इसलिए नहीं कि आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, बट इसलिए क्योंकि आपके सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स इसी के साथ रिलेटेड हैं। इसको पाने के लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा और प्रॉपर डाइट करना पड़ेगा। डाइट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप लिक्विड डाइट करो, सिर्फ कीटो डाइट करो, सिर्फ लो फैट डाइट करिए, ऐसा नहीं। आपको प्रॉपर वेल बैलेंस्ड फूड खाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी खा रहे हो आपके स्पर्म्स और अंडों तक पहुंच रहे हैं, इसीलिए आपको प्रॉपर वेल बैलेंस्ड डाइट खाना चाहिए। एक्सरसाइज में आप बेशक विग्रस एक्सरसाइज ना करें, बट माइल्ड टू मॉडरेट ज़रूर कीजिए, विच कुड बी जॉगिंग, विच कुड बी थोड़ा बहुत जिमिंग, वॉकिंग हो सकता है, ये सब आप कर सकते हैं जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बना रहे। इसके बाद आपको प्री नेटल विटामिन्स लेने ही चाहिए। ये प्री नेटल विटामिन्स मल्टीवाइट्स हो सकते हैं, फोलिक एसिड है, बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी है, ये सारे आप ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपके प्रॉपर लेवल्स ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स बने रहे बॉडी में, जिससे आपके अंडे रिलीज हो सकें, फर्टिलाइज हो सकें, एम्ब्रियो अच्छे क्वालिटी का बने, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके घर में वो चिपक सके और बच्चा बड़ा हो सके। इन सब के लिए विटामिन्स और मिनरल्स का सही मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये मानते हैं कि आप बाहर के विटामिन्स नहीं लेना चाहते, तो इसे आप डबल डोज में खाने के रूप में ले सकते हैं। जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सब अगर आप डबल क्वांटिटी में, मतलब क्योंकि अब्जॉर्प्शन लेवल्स अलग होते हैं, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो आपको ये विटामिन्स और मिनरल्स मिलते रहेंगे। तो ये सब आपको लेना चाहिए। स्ट्रेस कम कीजिए। स्ट्रेस के कारण भी इनफर्टिलिटी देखा गया है। ज़्यादा कोरिलेशन नहीं देखा गया है, बट मेंटल डिस्टर्बेंस की वजह से, मूड स्विंग्स की वजह से शायद सेक्सुअल एक्टिविटी भी कम हो सकता है। ये सब कारणों की वजह से इनफर्टिलिटी का रेट ज़्यादा देखा गया है। तो ये एक है। अपना ओवुलेशन ट्रैक कीजिए। जब आपका अंडा रिलीज हो रहा है, आपके बॉडी में कुछ सूचनाएं आपको ज़रूर मिलेंगी, जैसे थोड़ा सा स्वेलिंग होता रहेगा, जैसे पैरों में क्रैम्प्स आते रहेंगे, या आपको पेट में दुखेगा, ब्रेस्ट में थोड़ा स्वेलिंग होगा, सेक्सुअल एक्टिविटी ज़्यादा होगा। तो ये सब थोड़े ऐसे सूचनाएं हैं जिससे आपको लगेगा कि एग रिलीज हो रहा है। तो ये हर महीने पढ़ने की कोशिश कीजिए कि आपकी बॉडी क्या कह रहा है, उसके मुताबिक सेक्सुअल एक्टिविटी अगर रहेगा तो अवश्य स्पर्म्स घर में रहेंगे और फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये सब ट्रैक करके आप अपने फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ा सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि आपका पीरियड कितना ड्यूरेशन का है। नॉर्मली 24 से 34 डेज का साइकिल नॉर्मल माना जाता है, और 11th डे टू 21 डेज डिपेंडिंग ऑन आपका साइकिल आपका एग रिलीज होता है। तो उसी के मुताबिक हर महीने एक बार ट्रैक कीजिए, और जब आप ओविलेट हो रहे हैं तब प्रेगनेंसी ज़रूर प्लान कीजिए। इसके बारे में आप और जानकारी चाहते हैं अगर, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। इन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।